नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने, अर्थात नेम ऑफ द लेशन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, नेम ऑफ द राइटर इज खुशवंत सिंह, अर्थात एक महिला की प्रतिमा, एक महिला की तस्वीर, एक महिला का चित्र, एक महिला की शक्ल, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का हिंदी में अर्थ है। और इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। और खुशवंत सिंह जो हैं बॉर्न इन पंजाब, पंजाब में पैदा हुए थे। और ये जो है लेशन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, अर्थात आत्मकथा है जिसको स्वयं लिखा जाता है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड ऑटोबायोग्राफी एंड खुशवंत सिंह वाज एन इंडियन ऑथर। ही वाज अ लायर, फेमस लायर, डिप्लोमैट, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो वो एक भारतीय लेखक थे, वकील थे और कूटनीतिज्ञ थे, जर्नलिस्ट थे और राजनीतिज्ञ भी थे। तो खुशवंत सिंह ने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी को लिखा, जिसका अर्थ एक महिला की प्रतिमा, एक महिला की तस्वीर, एक महिला का चित्र, एक महिला का की शक्ल है। द पोर्ट्रेट माने प्रतिमा, तस्वीर, चित्र और शक्ल, जिनमें चार ही करेक्टर्स मुख्य हैं। और वो करेक्टर्स हैं, पहला है खुशवंत सिंह का, खुशवंत सिंह और ग्रैंडफादर ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह के दादा खुशवंत सिंह, ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह की दादी और पेरेंट्स ऑफ खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह के माता पिता, इन लोगों का वर्णन इस पाठ में हुआ है। तो स्वयं खुशवंत सिंह और उनकी दादी का जो प्यार है उनके प्रति, एक पोते का एक दादी के प्रति और एक दादी का एक पोते के प्रति क्या प्रेम है, कैसा अनूठा प्रेम है, उसको इसमें दर्शाया गया है। तो एक एक करेक्टर हम देख लेते हैं। ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह, ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह अर्थात खुशवंत सिंह की दादी कैसी थी, उनका चरित्र क्या था। हिज ग्रैंड मदर वाज वेरी काइंड वीमन, वेरी काइंड लेडी, वास्ट हार्टेड लेडी, काइंड हार्टेड लेडी सी वाज, अर्थात उनकी जो दादी थी बड़ी ही दयालु प्रवृत्ति की एक महिला थी। सी वाज रिलीजियस वीमन, रिलीजियस धार्मिक महिला थी। सी वाज वेरी ओल्ड, बहुत ही वृद्ध थी। सी वाज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो छोटी थी पर मोटी थी और कमर से झुक गई थी क्योंकि वो बूढ़ी थी। हर फेस वाज रिंकल्ड, उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। सी वाज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ, और स्पॉटलेस एकदम बिना धब्बे के साफ सुथरे कपड़े, सफेद कपड़े वो पहना करती थी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे, पतिदेव नहीं थे। सी ब्रॉट हिम अप व्हेन खुशवंत सिंह वाज अ वेरी स्मॉल बॉय चाइल्ड, जब वो बहुत ही छोटे थे तब उनका लालन पोषण अर्थात धाय माँ की भूमिका में उनकी दादी थी, उनका लालन पोषण किया, उनको प्यार दुलार दिया। इन ही चाइल्डहुड हिज ग्रैंड मदर यूज टू टेक केयर ऑफ हिम, की देखभाल करने वाली एक उनकी दादी ही थी। व्हेन हिज ग्रैंड मदर वाज वेरी यंग सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात जब वो जवान रही होंगी तो बहुत ही सुंदर रही होंगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो आथर हैं, जो राइटर हैं, जो लेखक हैं खुशवंत सिंह अर्थात उनका जो पोता है, उनको ऐसा विश्वास नहीं था। वो कहा करते थे कि मेरी दादी जो है मन की
मन की जो है सुंदर है, तन की सुंदर नहीं है। एंड सी हैड अ हस्बैंड, हर हेयर वॉज सिल्वरी वाइट एंड इट वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल्ड फेस। उनके पतिदेव भी थे लेकिन वो मर गए थे, इस दुनिया में नहीं थे। उनका जो बाल था वो सफेद हो चुका था और उनकी झुर्रीदार जो चेहरा था उस पर लटके रहते थे। सी वॉज क्वाइट एक्टिव एंड एगाइल, हर वक्त चैतन्य रहा करती थी, आंगन में टहला करती थी और एक हाथ में माला और एक हाथ कमर पर रखे हुए घर के आंगन में टहला करती थी और भगवान की पूजा माला जपा करती थी। सी वॉज टेंडर लविंग डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी, बड़ी ही कोमल स्वभाव की, प्यारी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी उनकी दादी। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे उनकी बात कर लेते हैं, तो उनके जो दादा थे वो बूढ़े हो चुके थे। व्हेन खुशवंत सिंह वॉज वेरी स्मॉल हिज ग्रैंडफादर डाइड, जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी, अर्थात उन्होंने अपने दादा को नहीं देखा था। ही सॉ हिम इन अ पोर्ट्रेट, इट वॉज हैंगिंग ऑन वॉल। ही वोर अ बिग टर्बन, ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। बचपन में उन्होंने अपने दादा को एक तस्वीर में देखा था और वो तस्वीर एक दीवार से लटकी हुई थी, उसमें उन्होंने देखा था अपने दादा को, और उस समय उनके दादा एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, धारण किए हुए थे और लग रहा था कि वो लगभग 100 साल के होंगे या रहे होंगे। उस समय उस तस्वीर में उन्होंने अपने दादा को देखा था। खुशवंत सिंह ही इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इस कहानी के पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के वो लेखक है, राइटर है, उन्होंने इसको लिखा और ये आत्मकथा है। ही एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स, दे वर क्लोज फ्रेंड्स, हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम टू स्टे विद हर। एट दैट टाइम हिज ग्रैंड मदर वॉज लिविंग इन अ विलेज, हिज पेरेंट्स वॉन्टेड टू शिफ्ट हिम इन अ विलेज विद हिज ग्रैंड मदर। His parents wanted to shift in a city to a city, and at that time Singh was the only one child, और एक close friends के रूप में रहते थे। उनके परिवार वाले या उनके जो माता पिता थे वो दादी के पास छोड़ गए, क्योंकि वो रहने के लिए शहर जाना चाहते थे और उस समय गांव में उनकी दादी रहती थी, और उनके पास छोड़ करके जब वो छोटे थे तो उनके माता पिता शहर रहने के लिए चले गए। ग्रैंड मदर एंड हिज चाइल्डहुड, बचपन की थोड़ा सा बातें हैं उसको जान लेते हैं। व्हेन खुशवंत वॉज वेरी स्मॉल, सी यूज टू वेक अप हिम अर्ली इन द मॉर्निंग, सी यूज टू गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, सी यूज टू गेट बाथ डेली बाय डेली, सी वॉज लवली ग्रैंडसन फॉर हर। उनके लिए वो एक बड़े ही प्यारे पोते थे, और जब वो छोटे थे तो उनकी दादी उनको सुबह सुबह उठा दिया करती और नाश्ता तैयार करती उनके लिए, उनको नहलाती और नहला धुला करके स्कूल छोड़ाती। तो इस तरह से उनका बचपन उनके दादी के साथ बीता, और जब स्कूल जाते तो स्कूल में एट स्कूल
द प्रीस्ट टॉट टू चिल्ड्रन अल्फाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर द चिल्ड्रन यूज टू सिट इन द बरांडा दे यूज टू सिंग द अल्फाबेट इन द प्रेयर इन अ ग्रुप्स इन अ कोरस एट दैट टाइम हिज ग्रैंड मदर यूज टू सिट इन अ टेम्पल एंड यूज टू स्टडी द रिलीजियस बुक्स द रिलीजियस द होली बुक्स इन अ टेम्पल ही वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल फॉर स्टडी ही यूज टू स्टडी लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्कमिडीज प्रिंसिपल बट सी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। जब उनको स्कूल में भेजा गया तो उनकी दादी को यह एकदम नहीं पसंद आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया कि स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाए, या उनको पसंद नहीं आता था कि अंग्रेजी स्कूल में क्यों पढ़ाई जाती है, ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम क्यों पढ़ाया जाता है, आर्कमिडीज का सिद्धांत क्यों पढ़ाया जाता है, शास्त्रों का क्यों अध्ययन नहीं कराया जाता, गीता महाभारत रामचरितमानस का पाठ क्यों नहीं कराया जाता, अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है, तो इस चीज़ों को लेकर वो थोड़ा दुखी रहा करती थी। और जब उनका पोता स्कूल में पढ़ाई करता वही छोड़ने जाती तो स्कूल में वो पढ़ता और दादी बगल वाले मंदिर में बैठ करके पूजा पाठ किया करती और भगवान का नाम लिया करती। बेंट टू अ यूनिवर्सिटी, और जब वो अध्ययन करने के लिए विश्वविद्यालय गए, व्हेन ही बेंट टू अ यूनिवर्सिटी फॉर हायर एजुकेशन हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट हिम बट ही वॉज गिवेन अ सेपरेट रूम इट वॉज वेरी हार्ड टाइम फॉर बोथ। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए थोड़ा बड़े हो गए, पढ़ने के लिए खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय गए तो उनके साथ उनकी दादी भी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों लोगों को अलग अलग रहना पड़ा, अलग अलग रूम में रहना पड़ा। ये दोनों लोगों के लिए एक कठिन समय था। अब पढ़ाई करने के लिए उनको अब्रोड जाना पड़ा, फॉरेन कंट्री जानी पड़ी, विदेश जाना पड़ा, और विदेश पढ़ने के लिए वो गए। फॉर हायर स्टडीज फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट टू अब्रोड फॉर 5 years। बोथ वर वेरी सैड नाउ ग्रैंड मदर वॉज अलोन इन द हाउस। सी स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम सिटिंग बिसाइड हर स्पाइनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून। व्हेन हिज ग्रैंडसन लेफ्ट फॉर अब्रॉड शी वेंट अप टू द रेलवे स्टेशन। सीइंग हर ओल्ड एज हिज ग्रैंडसन थॉट दैट इट वॉज हिज लॉस्ट मीटिंग विद हर विद हिज ग्रैंड मदर। और जब पढ़ने के लिए विदेश गए तो उनको छोड़ने के लिए स्टेशन पर उनकी दादी भी गई, और जब उनके चेहरे को खुशवंत सिंह ने देखा, पोते ने देखा, तो उनको लगा कि मेरी दादी अब बूढ़ी हो गई हैं, बहुत साल की हो गई हैं, अब हो सकता है कि मैं इनसे ना मिल पाऊँ। थोड़ा दुखी हुए लेकिन विदेश गए, और उनको छोड़ने के लिए दादी स्टेशन तक भी गई थी, और उनको उस समय लगा कि हो सकता है कि मैं इनसे अब ना मिल पाऊँ क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन दोनों लोगों का इतना गहरा प्रेम था कि उनका पोता पढ़ लिख करके लौट करके 5 साल बाद आता है। सी गॉट इल, सी गॉट इल लौट कर आया। उस खुशी में क्या होता है इसको देखिए। व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न आफ्टर अ स्पान ऑफ 5 years ग्रैंड मदर वॉज देयर टू रिसीव्ड हिम। सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम अगेन। सी हैड एन ओल्ड ड्रम, सी बिगैन टू सिंग विद ओल्ड ड्रम हैप्पली। सी वॉन्टेड टू वेलकम हर ग्रैंड सन एंड सी हैड एन ओल्ड ड्रम। सी बिगैन टू बीट, सी बिगैन टू प्ले द ड्रम विद हैप्पी। नेक्स्ट मॉर्निंग सी गॉट इल, द डॉक्टर सेड इट वॉज अ माइल्ड फीवर
इट वॉज अ माइल्ड फीवर, इट वुड गो अवे सून, बट हर एंड वॉज नियर, सी ले पीसफुली, सी ले साइलेंटली इन अ बेड एंड बिगन टू प्रे टू गॉड, बिगन टू प्रे टू गॉड साइलेंटली इन द बेड, बट सी डाइड सून, सी वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, आफ्टर हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू हियर एंड देयर एंड सैट स्कैटर्ड अराउंड द डेड बॉडी ऑफ हिज ग्रैंड मदर. There was no chirping, even birds were sad on the death of his grandmother. In his heart, she was loving, she was tender, she was religious by nature. बस इतना ही, अपने मित्रों में शेयर करिएगा. मिलता हूँ कुछ नया लेकर के. धन्यवाद. नमस्कार.